हमारे सीनियर वो ये राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन में, एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूंगा, कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं तो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं, और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं नो माई, और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं, ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं, तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ बेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है, डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में, और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं करने दो, हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के लिए और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार।